अदानी विल्मा आईपीओ, क्या इसमें है दम? 2021 की तरह 2022 में भी कई नए और धमाकेदार आईपीओ आ रहे हैं, जिसमें से एक है गौतम अदानी की एफएमसीजी कंपनी अदानी विल्मा। अदानी विल्मा का आईपीओ का खाता आज खुल गया है और 31 जनवरी तक इन्वेस्टर्स इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन पेटीएम का महा आईपीओ का महा धोखा देखने के बाद सभी इन्वेस्टर्स में एक अजीब सा डर बैठ गया है और उस पे ये बियरिश मार्केट का खौफ। तो क्या इस सिचुएशन में हमें अदानी विल्मा का आईपीओ खरीदना चाहिए? क्या साल 2022 के दूसरे आईपीओ में सच में है कुछ दम? क्या ये आईपीओ इन्वेस्टर्स का भारी मात्रा में फायदा देगा या फिर इसका भी कुछ पेटीएम और आर पावर जैसा होगा हाल? चलिए देखते हैं। उससे पहले अगर आप चाहते हैं देश के नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर, जो अभी एक फुल्ली फंक्शनल फिनटेक कंपनी में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, मतलब एंजल वन के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें और बेस्ट फैसिलिटीज पाएं, जैसे 1 ईयर फ्री एएमसी, स्मॉल केस, स्मार्ट एपीआई, फ्लैट 20 रुपीज ब्रोकरेज, पर्सनलाइज एडवाइजरी एंड एमटीएफ फैसिलिटी। इन सब का फायदा लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और अपना फ्री डीमैट अकाउंट आज ही ओपन कीजिए। तो 1999 में एस्टैब्लिश्ड हुई अदानी विल्मा एक एग्री बेस्ड एफएमसीजी कंपनी है और एडिबल ऑयल, पैकेज फूड प्लस इंडस्ट्री एसेंशियल्स में डील करती है। इसकी खासियत ये है कि ये एक प्रॉफिट अर्निंग कंपनी है और पिछले कई साल से लगातार प्रॉफिट शो कर रही है। फॉर्च्यून ब्रांड, जिससे हम सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, वो इसी जॉइंट वेंचर कंपनी का ब्रांड है। हाँ, वही फॉर्च्यून जिसका आटा या खाने का तेल करीब करीब सभी इंडियन घरों में देखने को मिलता है, फिर चाहे वो बॉम्बे हो या बनारस, गुजरात हो या गैंगटॉक। इस एग्री बेस्ड कंपनी की खासियत यानी कि यूएसपी है कि इसका रॉ मटेरियल सोर्सिंग कैपेबिलिटीज काफी स्ट्रांग है। और फैक्ट्स के अनुसार अदानी विल्मा इंडिया का लार्जेस्ट क्रूड एडिबल ऑयल इम्पोर्टर भी है। इसके अलावा कंपनी का प्रेजेंस ऑल ओवर इंडिया में है और इसके कुल मिलाके 22 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। अदानी विल्मा का मुंजा रिफाइनरी, जिसकी कैपेसिटी 5000 एमटी पर डे है, वो इंडिया का लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन रिफाइनरीज में से एक है। इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में मौजूद हैं और ये 1.6 मिलियन रिटेल आउटलेट्स में अपना सामान बेचता है। टेक्निकली और फंडामेंटली भी अदानी विल्मा ग्रुप के काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जैसे कि डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू, मार्केट लीडर इन ब्रांडेड एडिबल ऑयल, स्ट्रॉन्ग पैरेंटेज, स्ट्रॉन्ग रॉ मटेरियल सोर्सिंग कैपेबिलिटीज और उससे भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और हेल्दी रिटर्न टू इक्विटी, जहाँ मोस्टली टेक शेयर्स अक्सर मार खा जाते हैं। तो कहाँ लगाएंगे अदानी विल्मा आईपीओ से मिले 3600 करोड़? वेल, डीआरपीएच के अनुसार ये कंपनी ज्यादा से ज्यादा पैसा यानी कि 2500 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स में लगाएगी और 1/3 से भी कम अमाउंट यानी कि 1100 करोड़ कर्ज लौटाने में लगाएगी। कंपनी ने आईपीओ से पहले भी अपने एंकर इन्वेस्टर से 960 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करवा लिए हैं। कंपनी के एंकर इन्वेस्टर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, सोसाइटी जनरल, जुपिटर इंडिया फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड और आदित्य बिरला सनलाइफ म्यूचुअल फंड। पहले ही दिन अदानी विल्मा ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। कंपनी के 36% से ज्यादा सब्सक्रिप्शन लगभग हो गए और अगर आपको भी ये आईपीओ सब्सक्राइब करना है तो इसका प्राइस बैंड है 218 से 230 और वन लॉट साइज है 65। तो अगर आपको अदानी विल्मा का आईपीओ लेना है तो आपको मिनिमम 14,950 रुपए का शेल आउट करना होगा। इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने का लास्ट डेट है 31 जनवरी। तो क्या आपको भी ये आईपीओ सब्सक्राइब करना चाहिए? वेल, एनालिस्ट के हिसाब से और वैल्यूएशंस को देखकर अदानी विल्मा को सभी ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। इसका मेन रीजन है इसकी ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी। एफएमसीजी सेक्टर में इस प्राइस में स्टॉक की एंट्री बहुत ही रीजनेबल है, गिवन दैट ये कंपनी का ईपीएस 6.4 था लास्ट ईयर। सभी पॉइंट्स को मिलाजुला कर देखा जाए तो अदानी विल्मा शॉर्ट टर्म ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म गेन्स दोनों के लिए ही बेस्ट है। आफ्टर ऑल, अदानी विल्मा अपने आप को इंडिया के लीडिंग पैकेज फूड एंड एफएमसीजी कंपनी बनाना चाहता है और हम सब जानते हैं कि अदानी ग्रुप और सिंगापुर बेस्ड विल्मा इंटरनेशनल दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बहुत ऑब्वियस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस जॉइंट वेंचर का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। सभी एंगल को देखकर काफी एनालिस्ट का मानना है कि अदानी विल्मा को सब्सक्राइब करने में इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म गेन्स का फायदा है। क्या आप अदानी विल्मा का आईपीओ सब्सक्राइब कर रहे हैं?
अगर हाँ तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए या फिर लॉन्ग टर्म गेम्स के लिए। आगे और भी वैल्यूएबल और शानदार इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ YouTube, Instagram, Facebook, Twitter और Telegram पर। इन सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अनदर अपडेट के साथ, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।